अभी तक है तेजस्वी प्रकाश को शमिता शेट्टी को आंटी बोलने का पछतावा। आखिर क्या कुछ कहा है तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी के लिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश का जो झगड़ा बिग बॉस के अंदर चला था उसको लेकर बाहर भी काफी ज्यादा बवाल मचा था, जहां पर सेलिब्रिटीज हो या फैंस हो, उन्होंने अपने रिएक्शन दिए थे, कौन सही है कौन गलत है सब कुछ बताया था। वेल, यहाँ पर जो है हाल फिलहाल नागिन 6 का इंटरव्यू दे रही हैं तेजस्वी प्रकाश, और वहीं बिग बॉस 15 के विनर बन गई हैं। तो उसके बाद से तेजस्वी काफी ज्यादा बिजी हो गई है उनके स्केड्यूल में, तो कई सारे इंटरव्यू दे रही हैं जहां पर उनसे ये क्वेश्चन तो लगातार किया ही गया कि शमिता शेट्टी को उन्होंने जब आंटी कहा तो क्या उसका पछतावा अभी तक है तेजस्वी को। तो यहाँ पर शमिता के लिए तेजस्वी प्रकाश कहती हैं कि मुझे तो उसी वक्त पछतावा हो गया था जब मैंने कहा था, और वो एक बहुत ही नॉर्मल जो सिनेरियो चल रहा था, जो सिचुएशन थी, उसके लिए मैंने बहुत नॉर्मल ही मजाक में कहा था, लेकिन मुझे उसी वक्त उस चीज का पछतावा हो गया था और मैंने उससे माफी भी मांग ली थी। लेकिन जब मेरे साथ में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं बिग बॉस के घर में, लेकिन किसी ने भी मुझसे माफी नहीं मांगी। ये पछतावा भी तेजस्वी प्रकाश को है, जहां पर तेजस्वी कहती हैं कि मैं हमेशा सबसे माफी मांगती थी, लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीजें हर्ट होती थी, लेकिन किसी ने मुझसे माफी नहीं मांगी। वह शमिता शेट्टी के लिए कहती हैं कि यार वो किसी एंगल से आंटी नहीं लगती है। आपने शमिता शेट्टी को देखा ही होगा, वो कितनी हॉट लगती है और कितनी यंग लगती हैं। तो उसे आंटी कहने का मतलब ये उसकी एज पर कमेंट करने का नहीं था, वो सिर्फ एक फ्रेज था और जहां पर मेरे मुंह से निकल गया। तो ये सारी चीजें जो है तेजस्वी प्रकाश कहती हुई नजर आती हैं। जानना चाहूंगे आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड प्लस टेलीविजन से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।